हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। सो आज की जो वीडियो है वो रहेगी नेक्सा बलिनो के बारे में। बलिनो का ये बेस मॉडल है जिसके अंदर स्टीरियो स्पीकर वगैरह कुछ भी लग कर नहीं आते हैं, और बेसिक कुछ नेसेसिटीज़ हैं जो कार को लेके वो भी लग कर नहीं आती हैं, जिसको आज हम पूरा करेंगे। एक छोटा सा मैं आपको जैसे अगर डिस्क्रिप्शन में बताऊँ तो इसके अंदर हम लगाएंगे सेंट लॉकिंग, गियर लॉक, स्टीरियो, एंड्रॉयड, चारों डोर्स में स्पीकर, साइड बीटिंग डोर वाइजर वगैरह सब कुछ। अभी जो हमारे फिटर्स ने काम स्टार्ट करा है तो जैसे जैसे काम स्टार्ट होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सो बात यहाँ पे जब एक कंप्लीट लुक की हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ पे नज़र मरवाना चाहता हूँ। जैसे कि ये बलिनो का बेसिक मॉडल है, अगर आपके पास भी है तो आपको एक बात बताओगे कि इसके रिम जो है सिल्वर कलर के आते हैं, इसमें व्हील कवर लगे हुए नहीं आते, और इससे ऊपर वाले मॉडल में रिम जो है ब्लैक कलर के आते हैं और ओरिजिनल व्हील कवर आते हैं। तो हमने इसको ऊपर वाले मॉडल को लुक बनाने के लिए इसके रिम को पहले ब्लैक पेंट किया है, उसके बाद हम इसके अंदर मारुति बलिनो के ओरिजिनल व्हील कवर जिस पे एस लिखा होता है वो वाले व्हील कवर भी लगा रहे हैं। और साथ में आपको दिखाऊँ तो स्टीरियो के साथ हम कैमरा अटैच कर रहे हैं, और चारों डोर्स के अंदर जो हम कोएक्सियल स्पीकर्स लगा रहे हैं वो हम लगा रहे हैं JBL के 300-350 वाट्स के, जिसको लगाने के लिए हमने नीचे वाटर गार्ड्स का भी यूज़ किया ताकि स्पीकर की लाइफ बनी रहे और वो वाइब्रेट बहुत कम करे। स्पीकर सिर्फ नॉर्मल कोएक्सियल थे इसलिए डैम्पिंग की ज़रूरत नहीं थी इस गाड़ी के अंदर। और स्टीरियो की अगर मैं बात करूँ तो हमने इसके अंदर लगाया है एडिशन ब्रांड का स्टीरियो, जिसकी वर्किंग मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 2GB RAM, 16GB IPS डिस्प्ले के साथ ये गोरिल्ला ग्लास वाला स्टीरियो है जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। मोस्ट ऑफ़ द टाइम मेरी शॉप पे यही वाला स्टीरियो लगता है जो हम कस्टमर को रिकमेंड करते हैं, और मैक्सिमम गाड़ियों का अवेलेबल होता है हमारे पास, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, 101% रिकमेंडेशन है। सो इसके आगे आगे भी चलते हैं, आप बने रहे वीडियो में। सो यहाँ पे हमारा लगभग सारा गाड़ी का काम खत्म हो चुका है, इट्स टाइम कि आपको एक कंप्लीट लुक दिखा दीजिए गाड़ी की, कि आप बेसिक मॉडल गाड़ी में कुछ एक एक्सेसरीज लगा के उसको कैसे बढ़िया बना सकते हो। सबसे पहले नज़र मार लो इस व्हील कवर के ऊपर जो हमने इसके अंदर लगाया, रिम को ब्लैक करके ओरिजिनल व्हील कवर है मारुति का। और इसके बाद हमने इसके अंदर लगाए हैं ये क्रोम हैंडल्स जो टॉप एंड मॉडल के अंदर लगे हुए आते हैं, जो लगते ही बहुत बढ़िया हैं। और उसके बाद हमने लगाई है इसके अंदर लोअर विंडो गार्निश, इंपोर्टेड लोअर विंडो गार्निश है जिसके एजेस बिल्कुल फाइल हुए होते हैं और इसकी फिटिंग फिनिशिंग बड़ी प्यारी होती है। उसके बाद हमने इसके अंदर लगाए हैं डोर वाइजर्स गैलियो ब्रांड के, ये भी बहुत बढ़िया, आपने मेरी सारी वीडियोज़ में देखा होगा, हम ये रिकमेंड ज़रूर करते हैं। और अंदर की बात करूँ तो हमने इसके अंदर सेंट्रल लॉकिंग लगाई है RD ब्रांड की, जो वन डोर इसके अंदर आती है। इसके अंदर हमें मैनुअल के साथ हमें रिमोट लगाने पड़ते हैं, 3 ईयर्स की वारंटी के साथ ही सेंट्रल लॉकिंग हम लोग आपको प्रोवाइड कराते हैं। और इसके अंदर हमने लगाए हैं बम्पर गार्ड्स, साइड बीटिंग लगाई है इसकी ओरिजिनल लुक वाली जो क्रोम के साथ आती है, और स्टेयरिंग कवर लगाया है, फुट मैट लगाए हैं इसके अंदर हमने, बहुत सारा काम करा है। और इसके बाद मैं आपको स्टीरियो की एक बारी लुक दिखा देता हूं और उसके फीचर्स भी दिखा देता हूं। सो ये हमारा फाइनली स्टीरियो जो इसके अंदर हमने लगाया है। सबसे पहले आप इसकी फिटिंग और फिनिशिंग चेक कर लो दोनों तरफ से, कहीं इसको लगाने में कोई गैप नहीं आता। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताऊं, चाहे आपका बेसिक मॉडल कार हो चाहे आपका हायर मॉडल कार हो, इसको लगाने के लिए हमें कोई वायर कहीं से ब्रेक नहीं करनी पड़ती, जस्ट प्लग एंड प्ले वाला फीचर इसके अंदर है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो इसके अंदर, जो आप इसके फीचर्स चेक कर लो सबसे पहले, जो 8.1 वर्जन ये एंड्रॉयड का है, उसके बाद जो DDR जो 2GB इसकी रैम है और 16GB इसकी मेमोरी है। तो जो कई लोग आपको शायद ये चीज़ नहीं भी दिखा सकेंगे, लेकिन हम लोग ये बिल्कुल क्लियर करके दिखाते हैं कि 2GB RAM वाला स्टीरियो या फिर ये 1GB RAM वाला स्टीरियो है। मेरी तरफ से इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं है, 4 JBL के स्पीकर के साथ इसकी बहुत बढ़िया एक आउटपुट आ रही है। अगर आप बेसिक सेटअप अपनी गाड़ी में चाहते हो तो थम्स अप फॉर दिस सेटअप,